स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल झटपट ज्ञान में। दोस्तों झटपट ज्ञान में आज हम आपसे पूछेंगे हरियाणा से जुड़े 50 सवाल और साथ ही बताएंगे उस सवाल का सही जवाब। और अगर दोस्तों आपको उस सवाल का सही जवाब पहले से पता है तो आप अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों ये रहा आपका पहला सवाल, कौन सा नृत्य हरियाणा राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है घोड़ी नाच। सवाल नंबर दो, हरियाणा में मंजीरा लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है मेवात क्षेत्र में। सवाल नंबर तीन, हरियाणा राज्य में बिरला मंदिर कहां पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है कुरुक्षेत्र में। तो दोस्तों अब बारी है सवाल नंबर चार की, हरियाणा के किस राज्य में इब्राहिम लोदी का मकबरा है? तो दोस्तों अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो आप अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों इसका सही जवाब है पानीपत में। सवाल नंबर पाँच, हरियाणा के किस राज्य में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब तो आपको पता होगा, तो दोस्तों इसका सही जवाब है महेंद्रगढ़ में। सवाल नंबर छह, मारुति कार का निर्माण हरियाणा के किस जिले में होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाए गुड़गांव में। सवाल नंबर सात, सोना का किला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है गुड़गांव। सवाल नंबर आठ, पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अहमद शाह अब्दाली। सवाल नंबर नौ, हरियाणा में कहां पर महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इसका सही जवाब पता होगा क्योंकि महाभारत तो आप सब लोगों ने पढ़ाई है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कुरुक्षेत्र में। सवाल नंबर 10, हरियाणा राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मवीर। सवाल नंबर 11, हरियाणा में शराब बंद कराने का कानून लागू कब किया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1 जुलाई 1996 में। सवाल नंबर 12, सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा तोमर राजा सूरजमल ने। सवाल नंबर 13, देश की आजादी से पहले हरियाणा किस प्रांत में शामिल था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब। सवाल नंबर 14, हरियाणा राज्य में वन क्षेत्र कितना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1560 वर्ग किलोमीटर। सवाल नंबर 15, राज्य में काबुली बाग कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पानीपत में। सवाल नंबर 16, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भिवानी। सवाल नंबर 17, हरियाणा में चामुंडा देवी का मंदिर कहां पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा नारनौल में। सवाल नंबर 18, शीशे वाली मस्जिद, दीनी मस्जिद, लाल मस्जिद कहां स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा रोहतक में। सवाल नंबर 19, हरियाणा में अरावली की शुष्क पहाड़ियां किस भाग में है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी भाग में। सवाल नंबर 20, हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा नारनौल में। सवाल नंबर 21, हरियाणा में बीबीपुर व नजफगढ़ जिले किस क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मैदानी क्षेत्र में। सवाल नंबर 22, राज्य के किस हिस्से में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी क्षेत्र में। सवाल नंबर 23, सूरज कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा फरीदाबाद में। सवाल नंबर 24, हरियाणा के किस जिले में पंचवटी तीर्थ स्थल है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पलवल में। सवाल नंबर 25, रजिया बेगम का मकबरा राज्य में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है कैथल में। सवाल नंबर 26, हरियाणा का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है डमरू नृत्य। सवाल नंबर 27, कौन सा जिला हरियाणा की राजधानी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है चंडीगढ़। सवाल नंबर 28, हरियाणा में प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1947 ईस्वी में। सवाल नंबर 29, हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है श्री उदयमान हंस। सवाल नंबर 30, सराय अलावर्दी मस्जिद कहां स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है गुड़गांव में। सवाल नंबर 31, 1 जुलाई 1961 में कल्पना चावला का जन्म कहां पर हुआ था? तो दोस्तों कल्पना चावला को तो हम सब लोग जानते ही हैं। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि इसका जन्म कहां हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है करनाल। सवाल नंबर 32, हरियाणा राज्य का कौन सा हिस्सा रेतीला है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी भाग। सवाल नंबर 33, हरियाणा के किस जिले में एटलस साइकिल का उद्योग लगा हुआ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सोनीपत। सवाल नंबर 34,
हरियाणा राज्य के किस स्थान पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कुरुक्षेत्र में। सवाल नंबर 35, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले पे स्थापित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सिरसा में। सवाल नंबर 36, हरियाणा में शराब बंद करने के कानून को कब समाप्त किया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल 1998 में। सवाल नंबर 37, हरियाणा में शीतला माता मेला किस शहर में लगता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है गुड़गांव में। सवाल नंबर 38, हरियाणा में किस स्थान पर शिवरात्रि का मेला लगता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है भागदड़ में। सवाल नंबर 39, बीरबल का रंग महल किस शहर के निकट है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा यमुनानगर। सवाल नंबर 40, हरियाणा के किस क्षेत्र में शिवलिंग पर्वत श्रेणियां स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी पूर्व में। सवाल नंबर 41, सोहना कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है गुड़गांव में। सवाल नंबर 42, हरियाणा के किस राज्य में राजदूत मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा फरीदाबाद में। सवाल नंबर 43, हरियाणा राज्य में राजा नहर सिंह का किला कहां पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बल्लभगढ़ में। सवाल नंबर 44, हरियाणा के किस जिले में नहर सिंह स्टेडियम स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है फरीदाबाद में। सवाल नंबर 45, हरियाणा में मंजी साहिब का गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है केथल में। सवाल नंबर 46, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा राय सोनीपत में। सवाल नंबर 47, चौधरी देवीलाल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है चोटाला गाँव सिरसा में। सवाल नंबर 48, हरियाणा केसरी के नाम से विख्यात व्यक्ति है? दोस्तों इसका सही जवाब है पंडित नेकीराम शर्मा। सवाल नंबर 49, रेवाड़ी में स्थित लाल मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक के शासन में पूरा हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अकबर। सवाल नंबर 50, गुलाम शासिका रजिया सुल्तान की कब्र कहां पर है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है कैथल में। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। दोस्तों उम्मीद करता हूँ हरियाणा की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में और भी बहुत सारे सवाल लेके। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।